हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए हैं, एक समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। रहस्यमय, ये विचित्र का समानार्थी शब्द नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मीठा का बहुवाचक संज्ञा शब्द क्या होगी, जल्दी बताओ। मीठा का बहुवाचक संज्ञा शब्द क्या होगा, बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताएं। तो मीठे की बहुवाचक संज्ञा शब्द क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मिठास। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मिठाई जातिवाचक संज्ञा में जाएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, तो धड़ाक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा आक प्रत्यय। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अविकारी शब्द क्या होते हैं, जल्दी बताओ। जितने भी अवय शब्द होते हैं उन शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। अवय क्रिया विशेषण, अवय समुच्च बोधक, अवय संबंध बोधक, अवय विस्मय आदि बोधक, अवय, ये सभी अविकारी शब्द कहलाते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बेमेल का को छांटना, अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते, जैसे और एक अवय है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। लेकिन किंतु परंतु ये सभी अविकारी शब्द के भेद हैं। बेमेल को छांटिए, कौन सा बेमेल है, तो सही आंसर आपके क्या हो जाएगा सर, चंद्रकांता। ये देवरी के देवकी नंदन खत्री की है, बाकी सेवा सदन निर्मला गोदान ये मुंशी प्रेमचंद की हैं। केवल अनुमानता सर्वता, यह किस विशेषण के प्रकार हैं, तो ये परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 7 से 8 में आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अर्णव समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। स्वधामिनी का विलोम शब्द, सॉरी पर्यायवाची शब्द क्या होगा, स्वधामिनी का विद्युत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बुरा भला शब्द में कौन सा समास है, बुरा भले के बीच में योजक चिन्ह लगा, द्वंद समास होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। प प्लस अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप बनेगा, जल्दी बताएं, क्वेश्चन नंबर 10। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, पावन, अयादि संधि होगी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चूरन का तत्सम शब्द आपसे पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन, चूर्ण होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 12 से 14 तक आपको ब्लूम शब्द आपको बताना है। जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर की बड़ी संख्या है, श्वेतांबर का ब्लूम शब्द क्या होगा ये आपसे, सॉरी हाँ श्वेतांबर का ब्लूम शब्द क्या होगा ये आपसे पूछा है। नीलांबर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था, ओजस्वी का ब्लूम शब्द क्या होगा, कांतिहीन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उसका उत्तर ये उस पर बहुत जच रहा था, उत्तर ये का ब्लूम शब्द क्या होगा, अधोवस्त्र, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मैं खाना खा चुका तब वह आया, इस वाक्य में आपको बताना है ये किस प्रकार का वाक्य है, कौमे से वाक्य जुड़ा तो संयुक्त वाक्य होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी, ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। आक्रोश शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त शब्द आपको बताना है, आक्रोश का उपयुक्त अर्थ आपको बताना है। कर्कश स्वर में की जाने वाली भर्त्सना को हम आक्रोश बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस वर्ण का उच्चारण हम कंठ तालु से करते हैं, अय का, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसका इलाज ना हो सके वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, असाध्य, पहला ऑप्शन करेक्ट। विस्मय किस रस, विस्मय स्थाई भाव है किस रस का, तो सही आंसर हो जाएगा सर अद्भुत रस का, तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
हनुमान की पूछ में लगन ना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। दिए गए वाक्य में आपको बताना है कौन सा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी को चुनना है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 22। ऊपर ही लिखित चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चुनाव क्षेत्रों को पुनः फिलिंदा ब्लैंक्स किया जाना चाहिए। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन होता है, ध्यान रखना। चौथा ऑप्शन करेक्ट, कई बार पूछा जा चुका है। स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है 24 में। अहिंसा एक स्त्रीलिंग शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के बधु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे 25 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।